time. कौन कौन से आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, प्राणी आकृति या आकृतियों की समाप्ति और नई आकृतियों की प्राप्ति। तो स्टूडेंट्स अब आप देखेंगे रचनात्मक और विनाशात्मक होते हैं विकास में होने वाले परिवर्तन, या सिर्फ रचनात्मक होते हैं, या सिर्फ विनाशात्मक होते हैं, या फिर शारीरिक होते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे चूंकि यहाँ पर आकार में परिवर्तन हो रहा है, बच्चे का संवेगात्मक विकास भी होगा, बच्चे का भाषागत विकास भी होगा, इस तरह के कई सारे विकास उसी अनुपात में जैसे जैसे आयु बढ़ेगी उसके अनुपात में होंगे। ठीक ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, पुरानी आकृतियों की समाप्ति होती है और नई आकृतियों की प्राप्ति होती है। तो रचनात्मकता जो है नई चीज को प्राप्त करने की तरफ दर्शाता है, और विनाशात्मक जो है वो किसी चीज के खत्म होने को दर्शाता है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, अर्थात इसका आंसर होगा कि विकास में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं वो रचनात्मक भी होते हैं और विनाशात्मक भी होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था है, हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था कैसी होती है, कितने मतलब भागों में बांटी गई है। तो उस आधार पर अगर हम हरलॉक का अध्ययन पढ़ेंगे तो हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था को बाल विकास को 8 अवस्थाओं में बांटा गया है। तो उस आधार पर अगर हम देखेंगे हरलॉक के अनुसार, तो बच्चे की जन्म की अवस्था होती है, जन्म के बाद में बच्चे का शैशवावस्था है, जन्म, जन्म के बाद में आता है बच्चे की शैशवावस्था, शैशवावस्था 14 दिन, और इसके बाद आती है बचपनावस्था 14 दिन से 2 वर्ष, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो पूर्व बाल्यावस्था आएगी, पूर्व बाल्यावस्था जो कि जिसका कारण होता है समय 2 वर्ष से, छह वर्ष, और फिर आती है उत्तर शैशवावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष, फिर आती है व्यय संधि काल 12 से 14 तक होती है। तरह से आगे पूर्व किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था का जो समय बताया गया है वो 14 से 15 या 16, और इसी तरह से ये 16, 17 से 18 तक, कहीं कहीं 21 तक। इसके बाद आती है
किशोरावस्था, मध्यावस्था यानी कि युवावस्था, इसके बाद आएगी आपकी प्रौढ़ावस्था और उसके बाद आएगी आपको वृद्धावस्था। इस तरह से इन्होंने समझाया है। तो यहां पर देखेंगे जन्म से दो वर्ष, जन्म से दो सप्ताह, गर्भाधान से दो सप्ताह तक, गर्भाधान से दो वर्ष, आगे तक का समझा दिया। लेकिन मुख्य रूप से इसमें क्या आ रहा है, जीरो से दो सप्ताह, जन्म से दो वर्ष तक, जन्म से दो सप्ताह तक, तो यहाँ पर 14 दिन क्या बन रहे हैं, दो सप्ताह बन रहे हैं, 14 दिन दो सप्ताह, तो इसलिए आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप है, विकास की प्रक्रिया के रूप आकार व अनुपात में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, नए गुणों की प्राप्ति, उपयुक्त सभी। अभी थोड़ी देर पहले स्टूडेंट्स मैंने आपसे साथ डिस्कस किया, हर लॉग के अनुसार विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप कितने बताए गए थे, चार प्रकार बताए गए थे, चार प्रकार बताए गए, आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा यानी पुरानी आकृति की समाप्ति और नए गुणों की प्राप्ति। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरह से ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा डी। आगे चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शैशवावस्था है, शैशवावस्था क्या है, तो शैशवावस्था समायोजन की अवस्था होती है, शैशवावस्था आत्मनिर्भरता की अवस्था होती है, या शैशवावस्था समस्या की अवस्था होती है, या अनुकरण की अवस्था होती है। तो स्टूडेंट शैशवावस्था आपके अनुसार क्या होना चाहिए, अब क्योंकि इसमें हम ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि शैशवावस्था में समायोजन की अवस्था, समायोजन क्या है, एडजस्टमेंट करना, बच्चा जन्म से पहले जब आता है माता के गर्भ में रहता है तो उसको एक अलग प्रकार का माहौल मिलता है, यानी उसकी एक स्थिति अलग होती है, लेकिन जन्म के बाद जो उसको वातावरण मिलता है वो एक दूसरे प्रकार का होता है। तो जन्म के बाद जब बच्चा बाहर ही वातावरण में आता है तो क्या करना शुरू करता है, धीरे धीरे एडजस्टमेंट शुरू करता है, अर्थात समायोजन की क्रिया शुरू करता है। आत्मनिर्भरता की अवस्था क्यों नहीं होगा, इसका आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी वो आत्मनिर्भर बाद में होता है ना, आत्मनिर्भर की अवस्था बहुत बाद में आती है, किशोरावस्था और युवावस्था में जाकर के बच्चा आत्मनिर्भर होता है, यानी अब उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, उसे अपने आप में सेल्फ डिपेंड हो जाता है वो, तो वो अवस्था बहुत बाद की होगी। समस्या की अवस्था, समस्याएं तो रहती हैं लेकिन समस्या की अवस्था भी बाल विकास के अंतर्गत इस अवस्था को उतना नहीं माना जाता है, और अनुकरण की अवस्था जरूर होती है ये, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वे जो ज्यादा इसमें जो प्रभावी रूप से इसका ऑप्शन होगा, जो ज्यादा निकटता की तरफ ले जा रहा है वो होगा समायोजन की अवस्था, क्योंकि शैशवावस्था जो है वो समायोजन की अवस्था होती है, बच्चा हर चीज में समायोजित कर रहा होता है, अपने आसपास के वातावरण के साथ में उसको एडजस्टमेंट करना होता है, तो इसलिए ये अवस्था जो होती है समायोजन की अवस्था कहलाती है। ये ठीक है कि ये अनुकरण की भी अवस्था होती है, बच्चा इसमें बहुत सी चीजों को देख करके कॉपी करता है, लेकिन उस अवस्था में जबकि उसकी कुछ आयु बढ़ जाती है तब वो अनुकरण करता है दूसरे को देख करके, लेकिन जन्म के बाद उसको समायोजन करना पड़ता है, इसलिए इसमें सबसे नियर अबाउट जो आंसर है वो समायोजन होगा, अनुकरण नहीं होगा। चलेंगे अगले आंसर की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। पूर्व बाल्यावस्था है, पूर्व बाल्यावस्था जैसे अभी मैंने बताया आपको डायग्राम बना करके, तो उसमें जो है आपने समझा होगा, मैं समझ रहा था कि थोड़ा सा क्योंकि अभी हैबिट नहीं है हमारी लिखने की, इस पर धीरे धीरे आ जाएंगे, तो लेटर आपस में मिक्स हो रहे थे, तो आप फिर भी मैंने आपको बताया था कि पूर्व बाल्यावस्था हर लॉ के अनुसार कितने से कितने के बीच में है। तो यहाँ पर अब इनकी विशेषताओं की बात की जा रही है, यहाँ पर तो पराधीनता की अवस्था होती है, यानी पराधीनता मतलब गुलामी की अवस्था, क्या बच्चा गुलाम होता है, या फिर पूर्ण शालीय अवस्था होती है, अपूर्व शालीय अवस्था क्या होती है अभी हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, संवेदनशीलता की अवस्था होती है ये, या खतरनाक अवस्था होती है। तो देखिये ध्यान देने की बात है कि हम नीचे से चलेंगे, खतरनाक अवस्था आप में से बहुत से सोच रहे होंगे कि इसका आंसर खतरनाक होगा, क्योंकि बच्चा असहाय होता है तो उसको कहीं ना कहीं डर रहता है कि वो गिर जाएगा, पड़ जाएगा, ये होगा तो उसकी बड़ी खतरनाक है, उसको संभाल के रखो, नहीं यहाँ पर इसका आंसर ये नहीं होगा, इसलिए इसको काट देते हैं, पहला आंसर कट गया। दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएंगे, संवेदनशीलता की अवस्था, ऐसे हमारे अंदर जो मूल प्रवृत्तियां होती है
टेंडेंसी होती है उसके अनुसार क्या होता है कि हम संवेदनशील होते हैं, हर चीज के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करना, अपने जो है जो भी सामने तथ्य आदि आ रहे, जो वस्तुएं आ रही हैं उनकी तरफ एकाग्रता लाना संवेदनशीलता की तरफ लाता है। लेकिन फिर भी अभी ये अवस्था जो पूर्व बाल्य अवस्था होती है यहाँ पर बच्चा इतना संवेदनशील नहीं होता कि चीजों को अपने आप से समझ जाए। संवेदनशीलता जो होती है वो कहीं ना कहीं मनुष्य को स्वतः ज्ञान की तरफ ले जाती है, बच्चा अपने आप से स्वतः ज्ञान की तरफ इतना नहीं आ पाता। तो इस तरह से संवेदनशीलता की अवस्था भी ये आंसर नहीं होगा। चलेंगे पूर्व शालेय अवस्था। शालेय का अर्थ क्या होता है यहाँ पर ये समझना पड़ेगा। हम शालेय का अर्थ समझ जाएंगे तो इसका मतलब है कि हम इस आंसर पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से जो है शालेय का मतलब होता है ग्रुप या समूह। तो इस तरह से पूर्व शालेय अवस्था यानी इसका मतलब है कि अभी ग्रुप की अवस्था आई नहीं, समूह में रहने की अवस्था आई नहीं है, यह है पूर्व बाल्य अवस्था। बच्चे समूह में रहना पसंद करते हैं कब से? बाल्यावस्था, जो उत्तर बाल्यावस्था होती है वो, या पूर्व किशोरावस्था जो होती है इसमें वो समूह में संगठन बना करके रहना पसंद करते हैं। इसलिए यहाँ पर पूर्व शालीन अवस्था यानी कि ग्रुप या समूह में टोली जिसे बोलते हैं, सीधे सीधे शब्दों में इसको क्या बोलेंगे? टोली की अवस्था, इसे टोली की अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक ये हुआ और प्राधीन, तो आंसर होगा ये आपका। लेकिन प्राधीनता की अवस्था भी इसका आंसर नहीं होगा। प्राधीन शब्द यहाँ पर गुलाम नहीं होता, बच्चा आशाय होता है, दूसरों पर डिपेंड होता है इस अवस्था में भी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि बच्चा जो है गुलाम हो गया, तो यहाँ पर ये वर्ड भी सही ठीक नहीं होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे, शब्द पर अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा। पूर्व शालेय अवस्था एक प्रकार से क्या होती है? टोली की अवस्था होती है। ठीक है, तो शालेय की अवस्था टोली की अवस्था है, क्योंकि ये टोली की अवस्था से पहले की अवस्था है, इसलिए आंसर पूर्व बाल्यावस्था इसका होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट की तरफ, और है अगला बाल विकास इनका अध्ययन है। बाल विकास किसका अध्ययन है? ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है, गर्भावस्था से बाल्यावस्था का, गर्भावस्था से किशोरावस्था का, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया का, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम सब जानते हैं कि बाल विकास जो है, क्योंकि इसमें सिद्धांत लागू होते हैं, इसमें कौन सा सिद्धांत लागू होता है? इसमें निरंतरता का सिद्धांत है ना, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी इसमें आती है। तो लॉ ऑफ कंटिन्यूटी हमें इन ऑप्शन में से किसकी तरफ ले जा रही है? तो निरंतरता का सिद्धांत जो है जीवन पर्यंत की तरफ ले जा रहा है। हम विकास की जो क्रिया होती है वो जीवन पर्यंत चलती है, मैंने आपको बताया भी है और आप समझेंगे कि जब हम इसको समझेंगे तो किससे समझते हैं अलग अलग करके, अभिवृद्धि, अभिवृद्धि और विकास, अभिवृद्धि और विकास में जब हम अंतर करते हैं तब हम इसको पाते हैं कि इसका समय क्या होता है? निश्चित होता है। और इसका समय क्या होता है? अनिश्चित होता है। तो इस तरह से ये एक निश्चित समय तक चलती है, अर्थात इसका समय होता है किशोरावस्था तक। किशोरावस्था तक की चलती है और ये जीवन पर्यंत चलती है, इसलिए इसका आंसर अनिश्चितता से जुड़ा हुआ है। ये विकास अनिश्चित काल तक यानी जब तक हम मरते नहीं है तब तक चलता है। तो अगर हम अवस्थाओं की बात कर रहे हैं तो बाल विकास का अध्ययन गर्भावस्था से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चे की जन्म पूर्व की अवस्था से प्रारंभ करते हैं हम, उसके बाद जन्म के बाद की अवस्थाएं, जन्म से पहले की तीन अवस्थाएं, जन्म के बाद शैशवावस्था, फिर उसके बाद बाल्यावस्था, फिर उसके बाद किशोरावस्था, फिर उसके बाद आपका प्रौढ़ावस्था, फिर आपका मध्यावस्था, फिर उसके बाद वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था के बाद व्यक्ति मर जाता है। तो जब तक उसका विकास की क्रिया चलती रहती है, अर्थात उसको कहेंगे कि वो सीखता रहता है। इसी को हम दो अर्थों में, दूसरे शब्दों में भी इस तरह से कहते हैं, और वो होता है औपचारिक और अनौपचारिक। तो विकास की क्रिया जो होती है वो अनौपचारिक रूप से चलती रहती है, और वृद्धि की क्रिया जो होती है वो औपचारिक रूप से। तो इसकी औपचारिकता पूरी हो जाती है विकास की,
एक समय पर आकर के, लेकिन अभिवृद्धि की और विकास की प्रक्रिया लगातार जीवन पर्यंत चलती रहती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ये। गर्भावस्था से किशोरावस्था, गर्भावस्था से बाल्यावस्था, ये सब आंसर नहीं होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। इस पर दूसरे और भी प्रश्न आते हैं, भले वो आज हमारे इसमें नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा। तो बाल विकास तथा बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर किस चीज का है? ऑप्शन दिए गए आपके सामने, अध्ययन पद्धतियों का अंतर है, या फिर इसमें क्षेत्र का अंतर है, या फिर इसमें कार्य में अंतर होता है, या इसमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो हम ध्यान देंगे सबसे पहले कि हमें यह समझना है कि बाल मनोविज्ञान क्या होता है, और हमें समझना है कि बाल विकास क्या होता है। जब हम ये समझ जाएंगे कि बाल मनोविज्ञान क्या होता है और बाल विकास क्या होता है, तो हम इस तरह के आंसर जो हमें दिए जाएंगे ऑप्शन के रूप में, तो हम आसानी से उसको चुन लेंगे। नमस्ते, जल्दी से सबसे पहले बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान बच्चे के मनोवैज्ञानिक चीजों का अध्ययन मनोवैज्ञानिक तरीके से करता है। जब हम मनोविज्ञान को व्यवहारिक रूप से बच्चे की क्रियाकलापों को देखते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मनोविज्ञान बढ़ते हुए आज जो है धीरे धीरे व्यवहार का विज्ञान बन गया है, तो इस तरह से यहाँ पर व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकली जितनी क्रियाकलाप बच्चे करते हैं उनके संबंध में हम जो अध्ययन जिस क्षेत्र उसमें करते हैं पद्धति में, वो हमारा मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान कहलाता है। बाल विकास के अंतर्गत हम क्या करते हैं? बाल विकास के अंतर्गत हम विकास की विभिन्न पद्धतियों आदि के बारे में जानकारी लेते हैं, विकास के विभिन्न चरणों की जानकारियां प्राप्त करते हैं, विकास के जो है विभिन्न आयाम जो होते हैं, है ना, स्टेप्स, आयाम मतलब स्टेप्स जो होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देखेंगे कि मुख्य रूप से बात निकल के आ रही है कि इसका जो कार्य करने का या अध्ययन करने का जो भाग है वो अलग अलग है, और इसका भाग यानी कि एक प्रकार से कहेंगे कि क्षेत्र जो है वो अलग है। तो इस तरह से अध्ययन पद्धतियां तो लगभग समान है, क्योंकि जो मनोविज्ञान की, बाल मनोविज्ञान की अद्यतन अध्ययन पद्धतियां है वही बाल विकास में हम प्रयोग में लेते हैं। तो इस तरह से ये क्या हुआ, ये समानता हुई। बात करेंगे कार्य की, तो इसमें कार्य के रूप में अगर हम देखें तो लगभग समान है, क्योंकि तो कार्य हम किस पर कर रहे हैं, बच्चे के ऊपर कर रहे हैं, इसलिए भी समानता की बात होती है। अंतर की बात की जा रही है, और अंतर आ रहा है क्षेत्र का, यानी कि इस तरह से जो बाल मनोविज्ञान और बाल विकास है उसमें मुख्य अंतर उसके क्षेत्र का होता है, यानी कि हम अलग अलग एरिया पर काम कर रहे होते हैं। ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि बाल मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो बच्चे के व्यवहारिक अध्ययन के संबंध में है, और बाल विकास का जो क्षेत्र है वो बच्चे के जो है उसकी पद्धतियों आदि से संबंधित है। तो इस तरह से इसके कार्य क्षेत्र का अंतर आता है, और यही इसका आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। अब उसी से जो पिछला प्रश्न था हमारा, प्रश्न नंबर 7 जो था, अब प्रश्न नंबर 8 भी इसी जैसे मिलता जुलता है। कैसे? तो बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। किस आधार पर? बालकों के उचित पालन पोषण के लिए, बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए, बालकों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए, अच्छे नागरिकों के निर्माण के लिए। मैं समझता हूँ कि आप इसके आंसर पर आसानी से पहुंच जा रहे होंगे, फिर भी हम इसकी तरफ चलेंगे, ध्यान देंगे। बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण बात की जा रही है, हमारा क्वेश्चन का पॉइंट का जो मुख्य भाग निकल जा रहा है वो महत्वपूर्ण। तो बाल विकास किस लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्यों है? तो बाल विकास महत्वपूर्ण है बालकों के उचित पालन पोषण के लिए, या फिर बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए, या बालकों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए, या अच्छे नागरिक। क्योंकि बाल विकास का अध्ययन हमने अभी अभी थोड़ी देर पीछे पढ़ा के क्षेत्र के आधार पर बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर होता है। तो इस आधार पर हम बच्चों के विकास की जब बात करते हैं तो हम दो तरह के, अभी मैंने आपसे बताया, औपचारिक और अनौपचारिकता की बात करते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिकता में हम क्या करते हैं, शारीरिक विकास की बात करते हैं, मानसिक विकास की बात करते हैं, संवेगात्मक विकास की बात करते हैं,
सामाजिक विकास की बात करते हैं, भाषा के विकास की बात करते हैं, भाषागत विकास की बात करते हैं, और औपचारिकता में हम बच्चे के नैतिक विकास की बात करते हैं, चारित्रिक विकास की बात करते हैं और चारित्रिक के साथ साथ हम उसके भावात्मक विकास की बात करते हैं और धार्मिक विकास की बात करते हैं, आध्यात्मिक विकास की बात करते हैं, आध्यात्मिक विकास की बात करते हैं। तो अब हम विकास, बच्चे के विकास की जब बात कर रहे हैं तो बाल विकास के अंतर्गत दोनों प्रकार के विकास की बात करते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर अब देखिए, बालकों के उचित पालन पोषण, इसमें पालन पोषण की बात सीधे तौर पर नहीं आई, शारीरिक विकास के अंतर्गत ये बात आती है बच्चे के पालन पोषण की। तो ये एक सीमित हो गई बात, ये विस्तार रूप में नहीं, सीमित हो गई। बात करेंगे बालकों के व्यवहारों को नियंत्रित करने की बात, बालकों के व्यवहार मुख्य रूप से संवेगों के आधार पर और सामाजिकता के आधार पर नियंत्रित होते हैं या नैतिक और चारित्रिक के आधार पर, लेकिन फिर भी सभी पक्ष इसमें पूरे नहीं हो रहे, है ना। इसके बाद आता है अच्छे नागरिकों के निर्माण के लिए, नागरिकता की जो बात की जाती है वो इसके आधार पर नहीं की जाती, नागरिकता की बात नैतिक और चरित्र पर तो की जाएगी लेकिन बाकी चीजों पर नहीं की जाएगी, इसलिए बात आती है नोट करके अब इस पर। तो बाल विकास के सर्वांगीण विकास के लिए, तो इस तरह से बच्चों के विकास के में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण अध्ययन किया जाता है बाल विकास के अंतर्गत वो होता है सर्वांगीण विकास के लिए। यानी सर्वांगीण का मतलब हुआ ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब हो गया ये सभी। तो इस तरह से सारे तरह से बच्चे का जब विकास होता है, हर तरह से विकास बच्चे का होता है, जिसे हम चहुमुखी विकास कहते हैं, तो चहुमुखी विकास बालकों का सर्वांगीण विकास कहलाता है। चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। बाल मनोविज्ञान तथा विकासात्मक मनोविज्ञान में अंतर है, देखिए बिल्कुल ये पिछला प्रश्न के जैसा ही मिलता जुलता प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में भी अंतर समझाता। अब यहाँ बाल मनोविज्ञान तथा विकासात्मक मनोविज्ञान में अंतर, तो देखेंगे ऑप्शन की तरफ। क्षेत्र में अंतर होता है, दृष्टिकोण में अंतर होता है, उद्देश्य में अंतर होता है, या तीनों में अंतर होता है, क्योंकि यहाँ पर अब हम विकासात्मक मनोविज्ञान यानी विकास की ही बात कर रहे हैं। तो क्षेत्र अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि क्षेत्र के आधार पर इसमें अंतर होता है, इसके और इसके दृष्टिकोण में अंतर होता है। दृष्टिकोण अर्थात तात्पर्य यह होगा कि बाल मनोविज्ञान में हम व्यवहारिक रूप से अध्ययन करते हैं, जबकि विकास के मनोविज्ञान में विकासात्मक रूप से इसका दृष्टिकोण बदल जाता है। यहाँ पर व्यवहारिक रूप से ना होकर के पद्धतियों की बात करने लगते हैं, आयामों की बात करने लग जाते हैं, स्टेप्स की बात करने लग जाते हैं, इसलिए दृष्टिकोण बदल जाता है। इसके जब ये दोनों बदलते हैं तो इनके उद्देश्य भी बदल जाते हैं, इनके उद्देश्य भी बदल जाते हैं। तो इस तरह से आंसर क्या होगा, आंसर होगा इन तीनों में, ठीक है। तो सही आंसर होगा इन तीनों में। तो बाल मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान में जो अंतर है वो क्षेत्र में भी पाया जाता है, दृष्टिकोण में भी पाया जाता है, उद्देश्य में भी पाया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दसवां प्रश्न होगा हमारा, दसवां प्रश्न है कि 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं। दांतों की अगर हम बात करेंगे तो इस पर ध्यान देना होगा, दांत के संदर्भ में बच्चों में कई सारे प्रश्न आते हैं, कई सारी बातें आती है। जैसे कि मुख्य बात यह है कि बच्चे के दांत कब बनते हैं, और दूसरी बात यह कि बच्चे के दांत कब निकलते हैं, ये 2 अलग बातें हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है, प्रश्न सामने आने पर आप स्टूडेंट से ये गलती होती है, मिस्टेक्स होती है कि आप ये करते हैं कि उसको निकलने वाली बात को बनने वाली बात से जोड़ देते हैं और बनने वाली बात को निकलने वाली बात से मिक्स कर देते हैं। यहाँ अंतर को समझेंगे, ध्यान से देखिएगा, मैं लिख के बता रहा हूँ। जो बच्चे होते हैं उसके जन्म से पूर्व, लिखेंगे जन्म पूर्व बच्चे में 5 माह में दांत बनना शुरू होते हैं। अब इसी बात को अगर हम
इस रूप में कहें कि बच्चे के दांत कब निकलते हैं, तो जन्म के बाद पांचवें माह से। ये तो हो गई बच्चे के दांतों के बनने की क्रिया और बात बच्चे के दांतों के निकलने की बात। यहाँ कहा जा रहा है, प्रश्न ये कहा जा रहा है कि दो वर्ष के अंत तक बच्चों में कितने दांत निकल आते हैं, 10 दांत निकल आते हैं, 20 दांत निकल आते हैं कि 24 या 15, कितने दांत निकल आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, बस उसी के आधार पर समझेंगे। यहाँ पर तीसरा पॉइंट डाल रहा हूँ, बच्चों में दूध के दांतों की संख्या 20 होती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि शैशवावस्था में बच्चे के दांत दूध के ही निकलते हैं। तो जब दूध के दांतों की संख्या 20 होती है तो हमारा आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, 20 वाला। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही है कि बच्चों के 2 वर्ष के अंत तक जो दांत होते हैं उनकी संख्या 20 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और अगला क्वेश्चन होगा, शैशवावस्था में रक्तचाप होता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट इस बात पर। तो कौन कौन से जो है अवस्थाओं में कौन रक्तचाप कितना होता है, तो शैशवावस्था में रक्तचाप कितना होता है, यहाँ पर क्षमा चाहेंगे, यहाँ पर ऑप्शन जो है टाइपिंग मिस्टेक होने के कारण गलत आ गए हैं, तो मैं पहले जो है यहाँ पर ऑप्शन सही करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझेंगे इसमें इसका ऑप्शन यहाँ पर होगा ए में, इसका ऑप्शन होगा कम बहुत कम अधिक बहुत अधिक। ठीक है, ये गलत है तो काट देते हैं। ठीक है, तो शैशवावस्था में रक्तचाप ब्लड प्रेशर बच्चे में कितना होता है, ठीक, कम होता है, बहुत कम होता है, अधिक होता है या बहुत अधिक होता है, तो हम इसको यहाँ पर समझते हैं कि किस अवस्था में बच्चों का रक्तचाप कितना होता है। शैशवावस्था में चालीस से 64 mm Hg होता है, बाल्यावस्था में 20 अवस्था में अध्यावस्था में। ठीक है, किशोरावस्था में 90 से
युवावस्था में 100 से 120, प्रौढ़ावस्था में 130 तक और वृद्धावस्था में 130 से 140। अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप आंसर पर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। स्वाभाविक सी बात है कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि पहला ऑप्शन जो है ए, अब इसको आप ए बी सी डी मानिएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन में कम, दूसरे वाले में बहुत कम, तीसरे वाले में अधिक और चौथे वाले में बहुत कम, बहुत अधिक। तो इस तरह से हम इसका अगर अवलोकन करें और बात पूछी जा रही है शैशवावस्था की, तो शैशवावस्था में रक्तचाप होता है, शैशवावस्था में रक्तचाप है 41 से 64 mm Hg आप सब जानते हो, तो हीमोग्लोबिन mm यानी के मिलीमीटर। तो इस तरह से 41 से 64 mm के अंतर्गत पाया जाता है। तो सबसे अच्छी बात है क्या होगा इसका आंसर, पहला होगा आंसर ए होगा अर्थात कम। स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, इस चार्ट को अच्छे से याद कर लीजिएगा और इस चार्ट के द्वारा आगे के क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि बालकों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, बालकों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। बच्चे के द्वारा व्यायाम करना, ठीक, स्वच्छता, पोषण और निद्रा। व्यायाम आप सभी जानते हैं, एक्सरसाइज करना बॉडी के को है ना स्वस्थ बनाने के लिए, अपने हाइजीन का ध्यान रखना, साफ सफाई का ध्यान रखना, साथ साथ जो है पोषण यानी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उसका यानी कि एक तरह से कहेंगे कि बैलेंस डाइट का ध्यान रखना, और निद्रा यानी कि नींद पूरी करना। हम सब जानते हैं कि जीवन में नींद पूरी करना जरूरी है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सोते ही रहें, इसलिए अगले पर चाहेंगे और वो होगा पोषण, खाना पीना हमारे लिए जरूरी है या नहीं, स्वच्छता साफ सफाई जरूरी है लेकिन क्या पूरी तरह से जरूरी है, कि साफ सफाई से ही हमारा क्या होगा शारीरिक विकास होगा, व्यायाम से ही क्या शारीरिक विकास होगा। अब हम सब जानते हैं कि ये गलत है, ये गलत हुआ सही हुआ। तो इस तरह से शारीरिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कारक है पोषण। अगर हम बच्चे को खाना पीना ही सही नहीं मिलेगा, बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो वो व्यायाम क्या कर पाएगा, और बच्चा जब व्यायाम नहीं करेगा तो स्वच्छता का भी ध्यान नहीं रख पाएगा, तो नींद भी पूरी नहीं हो पाएगी, अस्वस्थ बना रहेगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है, विकास में महत्वपूर्ण कारक होगा पोषण, बच्चे को पोषण बहुत जरूरी होती है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट की तरफ, लंबाई की अभिवृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, लंबाई की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है पिट्यूटरी ग्रंथि का, थायराइड ग्रंथि का, क्लोन ग्रंथि का या प्रजनन ग्रंथि का। तो बच्चे की हाइट जो होती है, लंबाई जो होती है, उसके पर किसका प्रभाव पड़ता है। हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की ग्लैंड्स यानी कि जो है ग्रंथियां होती हैं, ये ग्लैंड या ग्रंथियां क्या करती हैं, विभिन्न प्रकार के रसों को निकालती हैं जिन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। ये रस जो है हमारे ऊपर हमारे शरीर की वृद्धि से लेकर विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं के नियंत्रण तक का कार्य करते हैं, और इस तरह से हम समझेंगे इन ग्रंथियों के बारे में कि कौन सी ग्रंथि हमारे लिए किस प्रकार का कार्य करती है। तो ध्यान रखने की बात है, इस पिट्यूटरी ग्रंथि को हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। ये ग्रंथि क्या होती है, ये ग्रंथि एक प्रकार से मास्टर ग्रंथि कहलाती है, मास्टर ग्रंथि। तो ये जो है इसको हम मास्टर ग्रंथि के साथ साथ पीयूष भी बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि। ये मास्टर ग्रंथि क्यों कहलाती है, मास्टर ग्रंथि इसलिए कहलाती है क्योंकि इस ये सभी प्रकार की ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के यानी कि लगभग 13 प्रकार के इसमें से जो एंजाइम्स होते हैं वो निकलते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि हार्मोन्स जो होते हैं 13 प्रकार के हार्मोन्स इसमें से निकलते हैं। तो इसमें से निकलने वाला जो एक हार्मोन्स होता है उसका नाम होता है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स, सोमैटोट्रोपिन नामक हार्मोन्स।
इसमें से निकलता है, ठीक, जो हमारे बॉडी को क्या करता है, ग्रोथ देता है। तो इस तरह से जिस व्यक्ति में ये डिस्टर्ब हो जाता है, सोमैटोट्रोपिन नामक हार्मोन्स, वो क्या करता है, उस व्यक्ति का कद नाटा रह जाता है, लेकिन या फिर क्या होता है, बहुत महाकाय का हैवी बॉडी बन जाती है। तो ये थायराइड ग्रंथि जो होती है वो हमारे गले में होती है, वो हमारे ये दूसरे प्रकार का कार्य करती है। पिनियल ग्रंथि जो होती है वो भी एक प्रकार से अलग प्रकार का कार्य करती है, और प्रजनन ग्रंथि भी प्रजनन का कार्य करती है। तो इस आधार पर हम तीनों आंसर नहीं होंगे, आंसर इसका होगा ए, पिट्यूटरी ग्रंथि। तो लंबाई की वृद्धि पर प्रभाव किससे पड़ता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, और इसमें से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो इसमें से सोमैटोट्रोपिन नामक हार्मोन निकलता है, जो कि हमारी वृद्धि पर प्रभाव डालता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, और ये होगा आपका क्रियात्मक विकास का अर्थ है। क्रियात्मक विकास का क्या अर्थ होता है, तो क्रियात्मक विकास का अर्थ है कि मांसपेशियों को नियंत्रण करना, मांसपेशियों का एकीकरण करना, मांसपेशियों का उचित संयोजन करना, यह उपयुक्त सभी। क्रियात्मक विकास का मतलब है कि हम एक्टिविटी के रूप में, यानी एक्टिव डेवलपमेंट किस तरह से होता है बच्चे का। स्वाभाविक बात है कि बच्चे एक्टिव तब होंगे, क्रियात्मक रूप से तब आगे बढ़ेंगे, जब बच्चे की मांसपेशियां क्या होंगी, नियंत्रित होंगी। मांसपेशियां नियंत्रित हों, इसके साथ साथ मांसपेशियां नियंत्रित भी हो, और साथ साथ मांस हमारी मसल जो है उनका एकीकरण भी हो। तो मांसपेशियों के नियंत्रण के साथ साथ मांसपेशियों का एकीकरण पर भी हम ध्यान देते हैं, साथ साथ मांसपेशियों की उचित संयोजन हो, इनका आपस में जो संयोजन है, कम्युनिकेशन है, वो भी आपस में तीनों का उचित रूप में बना रहना चाहिए। तो इस तरह से क्रियात्मक विकास का अर्थ है मांसपेशियों का नियंत्रण करना, मांसपेशियों का एकीकरण करना, मांसपेशियों का उचित संयोजन करना। तो ओवरऑल क्या होगा, इसका आंसर बनेगा बी, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और वो होगा हमारा कि वस्त्र पहनने के कौशल में बालिकाएं बालकों की तुलना में जल्दी निपुणता प्राप्त कर लेती है। ये एक बड़ा आपके लिए विशिष्ट प्रकार का प्रश्न होगा कि वस्त्र पहनने के कौशल में बालिकाओं बालकों की तुलना में जल्दी निपुणता प्राप्त कर लेती है। ध्यान रखने वाली बात यह कि एग्जाम में इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, बोधात्मक सेंसिबल क्वेश्चन कहते हैं, बोधात्मक प्रश्न कहते हैं। ध्यान देंगे आप अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए, बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, इनमें से किसी एक ऑप्शन को आपको चुनना होगा। हम समझेंगे कि कौन सा प्रश्न का ऑप्शन इस प्रश्न के लिए उत्तर के रूप में सही होगा। तो चलेंगे सबसे पहले उनकी कलाई लचीली होने के कारण मांसपेशियां संयोजन आसानी से कर लेती हैं, या वे बालकों से अधिक निपुण होती हैं, या वे सीखने की क्षमता में अधिक होती हैं, या वे अनुकरण से सीख जाती हैं। ध्यान देने वाली बात है कि ये सबसे कमजोर पॉइंट है, इसलिए इसको कम कर देंगे। वे अनुकरण से सीख जाती हैं, अनुकरण से हम ये बात सही कि इमिटेशन या अनुकरण से काफी कुछ सीखते हैं। अरस्तु ने अनुकरण के बारे में बताया कि अनुकरण अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए, यानी आंख बंद करके अनुकरण नहीं करना चाहिए। अनुकरण का मतलब केवल कॉपी करना नहीं होता है, अनुकरण का मतलब होता है पुनर्रचना करना, ठीक है। तो यहाँ पर वे केवल अनुकरण करके ही नहीं सीख सकती है, तो इसलिए इस प्रश्न के उत्तर को कम कर दिया जाएगा। आएगा सीखने की क्षमता अधिक होती है, ऐसा नहीं होता, बालकों में भी सीखने की क्षमता अधिक होती है। ये ठीक है कि अलग अलग आयु स्तर के आधार पर बालकों और बालिकाओं में लिंग का भेद, मनोलैंगिक परिवर्तन देखे गए हैं, और इस आधार पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इसमें है कि सीखने की क्षमता बालिकाओं में जब छोटी अवस्था होती है, शैशवावस्था और बालिका अवस्था, उसमें अधिक होती है, लेकिन जैसी वो किशोरावस्था की तरफ बढ़ती है सीखने की क्षमता उनकी कम हो जाती है, शारीरिक गठन के आधार पर, समस्याओं के आधार पर, जबकि जो बालक होते हैं वो तेजी से इस चीजों को ग्रहण कर रहे होते हैं, क्योंकि बाल्यावस्था बच्चे की क्या होता है, भविष्य के निर्माण का काल होता है। वे बालकों से अधिक निपुण होती है, ऐसा भी नहीं है, बालक भी काफी निपुण होते हैं, और बहुत सी जगह पर बालिकाएं कमजोर होती हैं और बालक अधिक निपुण होते हैं। तो स्वाभाविक बात है ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है, तो आंसर कौन सा सही होगा, ये सही होगा, क्योंकि उनकी कलाई लचीली होने के कारण मांसपेशियां संयोजन आसानी से कर लेती हैं। स्टूडेंट्स अगर इसको समझना है तो आप ऐसे समझेंगे कि जो लड़कियां चूड़ियां पहनती हैं तो उनकी कलाई बहुत पतली होती है, इसलिए उसको ऐसे करके
दबाते हैं चूड़ी पहनाने वाले, बड़ी आसानी से चूड़ियाँ जो छोटे आकार में होती हैं लेकिन वो उसमें पहना भी जाती है, क्योंकि तो उनकी कलाई लचीली होती है, इसमें जिस दबाने पर वो आसानी से दब जाती है। पुरुष की कलाई आपके कठोरता होती है, इसलिए दबाने पर उतनी दबती नहीं है, इसलिए आंसर होगा ये। तो उनकी कलाई लचीली होने के कारण वे मांसपेशियों का संयोजन आसानी से कर लेती है। तो पहले वाले पॉइंट में हमने अभी बात की थी, उपरोक्त तीनों था, तो अब यहाँ पर मांसपेशियों का संयोजन भी इसमें जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, 16वां प्रश्न, और 16वां प्रश्न है कि बालकों में लिखने की क्रिया का विकास होता है, बालकों में लिखने की क्रिया का विकास कब से होता है? तो देखेंगे 1 से 2 वर्ष की अवस्था में, 2 से 3 वर्ष की अवस्था में, 3 से 4 वर्ष की अवस्था में, 4 से 5 वर्ष की अवस्था में। इस प्रश्न के को हल करने का सबसे आसान तरीका ये होगा कि आप ध्यान देंगे कि चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से जो व्यवस्था की गई है, जिसे हम आंगनबाड़ी केंद्र कहते हैं, या फिर जो स्कूल्स होते हैं उनमें जो है प्रिपरेटरी क्लासेस होती हैं, प्रारंभिक बच्चों की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से होता है? 2 से 3 वर्ष के बीच में होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का आसान सा उत्तर है कि 2 से 3 वर्ष की आयु में बच्चे लिखना सीखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ जल्दी से, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि कितने माह का बालक बिना सहारे के आसानी से बैठ सकता है। हमने आपको एक चार्ट दिया था जिसमें बताया था कि कौन कौन सी अवस्था में बच्चे क्या क्या करते हैं, तो यहाँ पर दिया गया 6 माह में, 8 माह में, 7 माह में और 9 माह में। तो ध्यान देने वाली बात यह कि किस माह में बच्चे जो होते हैं वो बैठना बिना सहारे के, तो याद रखिएगा कि 5 से 6 महीने में पलटना शुरू कर देते हैं। तो 5 से 6 महीने में, और छठे माह में यानी 6 माह बाद प्रारंभ करते हैं, तो फिर ये आंसर गलत हो गया। अब 8 और 7 और 9 इनमें से किसी को चुनना होगा, तो हम इसमें से जाएंगे कि 7 इसके बाद की क्रिया क्या होती है। इस तरह से 7वें माह में तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर सही ये हो जाएगा, ये और ये भी कट जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका आंसर होगा 7वें माह में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के अंतर्गत आते हैं, तो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल कौन से होंगे? तो स्टूडेंट्स, अब हम इस प्रश्न की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन 18 है, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के अंतर्गत आते हैं, क्या आता है? बच्चे जो छोटी छोटी सी एक्टिविटीज होती है, क्रिया करते हैं बच्चे छोटी छोटी सी, जो उसके अंदर उनके अंदर मौजूद जो स्किल्स होते हैं उनके आधार पर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो पकड़ना शुरू करते हैं, चित्र बनाना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, या ये सभी। तो देखिए, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के अंतर्गत बच्चे क्या करते हैं, चीजों को पकड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, अगर हम इसके संदर्भ में बात करें छोटे बच्चों की, तो बच्चा जो है जब 5 से 6 महीने का बच्चा, जिसको अभी हमने डिस्कस किया, उसमें क्या होगा कि जब बच्चे जो है बिस्तर पर बैठे हुए बैठना शुरू कर देते हैं, तो दूर पड़ी हुई वस्तु को खींच करके प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि तो चीजों को पकड़ लेते हैं, उठा लेते हैं, पकड़ना शुरू करते हैं। लिखना, तो ये क्योंकि सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है, ये बच्चों की इसमें आयु नहीं बताई गई है, इसलिए हम इससे ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाएंगे तो देखेंगे कि बच्चे जो है
विभिन्न प्रकार के छोटी आकृतियों के चित्र भी बना लेते हैं। कैसे करके? ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे चित्र बनाना आदि उनको शुरू हो जाता है। और इस तरह से लिखना भी शुरू कर देते हैं बच्चे। पहले बच्चों को ऐसी लाइनें, ऐसी लाइनें, ऐसी लाइनें, ऐसी लाइनें और इस तरह की चीजें सिखाई जाती हैं। जब बच्चों को ये आ जाता है तो कहा जाता है कि किस तरह की लाइन को, स्लीपिंग लाइन को, और उसके बाद जो है इस लाइन को ऐसे करके मिलाइए तो बनेगा हाफ। ये जो सर्कल है, हाफ सर्कल इधर से, फिर एक बार हाफ सर्कल इधर से लाया, फिर ये वाली लाइन इधर मिलाई और ये वाली लाइन इधर मिला दी और इसके बाद इसको ऊपर रख दिया, बन गया छोटा। तो इस तरह से बच्चे लिखना भी शुरू करते हैं। बच्चे जो है हम थे यहाँ पर, तो बच्चे पकड़ना, चित्र बनाना, लिखना, ये सभी क्रियाएं। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा तो ये होगा, ये सभी, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे पकड़ना, चित्र बनाना और लिखना सब इस प्रकार से सीखते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। वेदर आ गया है। तो अगला प्रश्न है हमारा, संवेगों के नियंत्रण की विधि स्वतंत्र अभिव्यक्ति का प्रतिपादन किसने किया? तो संवेग जो होते हैं इनको नियंत्रित करने की जो विधियां होती हैं उसका स्वतंत्र अभिव्यक्ति बिना किसी के, फ्री एक्सप्रेशन जो है उसका प्रतिपादन किसने किया? रूस, यहाँ पर रूसी लिखा हुआ है, सही शब्द होगा रूसो, ठीक है। रूसो ने किया या मोंटेसरी ने किया या इन दोनों ने किया या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर भी ये थोड़ा गलत किया है, तीनों तीनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि संवेगों पर नियंत्रण की विधि। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये समझना है कि संवेग किसे कहते हैं। तो संवेग जो होते हैं वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं और मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई गई है? मैकडूगल के अनुसार 14 बताई गई है। याद रखिएगा कि जब किसी व्यक्ति के अंदर मौजूद जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं उनकी जब व्यवहारिक रूप से अभिव्यक्ति की जाती है तो उस व्यवहारिक अभिव्यक्ति को ही हम संवेग कहते हैं। तो इस तरह से इसके अभिव्यक्ति के लिए इसका आंसर होगा सी, अर्थात रूसो और मोंटेसरी दोनों ने जो है इसकी अभिव्यक्ति के बारे में यानी बताया है। चलेंगे आखिरी प्रश्न की तरफ, और हमारा नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न होगा कि चालकों में ईर्ष्या की उत्पत्ति, यहाँ पर चालक नहीं है, ये चालक गलत लिख गया है, यहाँ होगा बालक, बालकों में ईर्ष्या की उत्पत्ति कितने वर्ष की अवस्था से हो जाती है? क्या एक वर्ष से डेढ़ वर्ष में, डेढ़ वर्ष से दो वर्ष में, दो से तीन वर्ष में, या तीन से चार वर्ष में? तो यहाँ पर ध्यान रखने की ईर्ष्या क्या है, ईर्ष्या एक प्रकार का संवेग है जो मूल प्रवृत्ति के रूप में हर मनुष्य के अंदर मौजूद रहता है। तो यहाँ पर बच्चों में ईर्ष्या की प्रवृत्ति कब से शुरू होती है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ईर्ष्या जो है बच्चों में कहाँ से प्रारंभ होगी। तो ईर्ष्या बच्चों के किस रूप में प्रदर्शित हो सकती है? तो देखिए, अगर इस बच्चे को तीन ट्रॉफियां दी गई हैं और किसी व्यक्ति के हाथ में चौथी और पांचवी ट्रॉफी भी है और या वो दूसरे बच्चे को ज्यादा ट्रॉफी दे देता है तो वो फौरन चाहेगा कि वो भी मुझे वापस मिल जाए, यानी दूसरे को ना मिले, जिसको ज्यादा मिले तो वो उस प्राप्त करने की जो इच्छा है यही इच्छा जो है बच्चे की ईर्ष्या को दर्शाती है, जिसे आप अपने बड़ों की ईर्ष्या से नहीं देखेंगे, है ना। तो बड़ों में जो ईर्ष्या होती है वो दूसरे प्रकार की होती है, जो बच्चों में ईर्ष्या होती है वो दूसरे प्रकार की होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डेढ़ से जो दो वर्ष के बच्चे होते हैं उनमें जो ये गुण होता है वो प्रवर्धित हो जाता है, यानी स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चों में जो ईर्ष्या की उत्पत्ति होती है, प्रारंभ होता है, वो डेढ़ से दो वर्ष में बच्चे ईर्ष्या उनकी शुरू हो जाती है, यानी कि बच्चे दूसरों से जलन महसूस करने लग जाते हैं। एक बच्चा दूसरे बच्चे को देख करके उसके अंदर ये प्रवृत्ति आती है कि वो दूसरे बच्चे से ईर्ष्या करने लगता था, उससे तुलना करने लगता है, उससे कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, उसका विरोध अवरोध उत्पन्न शुरू कर देता है। स्टूडेंट्स, ये आज के जो है क्लास के 20 क्वेश्चंस थे। हमने आज 20 क्वेश्चंस को बाल विकास के अंतर्गत आपके साथ में डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं आपके लिए। ऐसे ही हम दूसरे क्वेश्चंस लेंगे अगले वीडियो में, फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस हमारे वीडियो को, जो ज्ञान सागर
यूट्यूब चैनल के माध्यम से चल रहा है, इसमें आप इसको लाइक शेयर जरूर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो स्टूडेंट्स भी इसका लाभ उठा सके। इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर ब्रेक देते हैं। अगली क्लास में फिर आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए न्यूज के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय। और कलर का